नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। और अब खबरों को देते हैं विस्तार। संशोधन विधेयक वापसी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ये खबर हमारे पास छतरपुर से आ रही है, जहां पर कांग्रेस सेवा दल यूथ ब्रिगेड ने केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार कानून में बदलाव कर बेहद कमजोर करने की कोशिश को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। संशोधन के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। और कांग्रेस सेवा दल यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने महिला सेवा दल की जिलाध्यक्ष दीप्ति पांडे सहित पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने आरटीआई कानून पर गहराते संकट को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही बताया कि एनडीए की सरकार द्वारा 19 जुलाई को आरटीआई कानून में संशोधन विधेयक पेश किया गया है। पूरे देश में पारदर्शिता लाने के लिए सबसे अधिक उपयोग में किए जा रहे इस कानून को अलोकतांत्रिक तरीके से प्रस्तावित संशोधन हो जाने पर सूचना आयोग की स्वतंत्रता नाम मात्र की रह जाएगी। बताया गया है कि आयोग के कामकाज के जो प्रणाली को नियंत्रित करना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। आयोग अंतिम प्राधिकरण है जो फैसला करता है कि नागरिक को किसी भी विषय पर सूचना, जो कि उसका मौलिक अधिकार है, उसे मिलनी चाहिए या नहीं। बताया गया है कि सरकार के द्वारा सूचना आयोग में रिक्त पद भरने, समयबद्ध व पारदर्शी नियुक्तियां करने, चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने व सूचना मांगने वालों पर हमले और 80 आरटीआई उपभोक्ताओं की हत्या के मुद्दे पर कार्रवाई करने के बजाय निर्णय करने वाले पदाधिकारियों की स्वतंत्रता व स्वायत्तता को नष्ट कर सूचना के जनाधिकार को कमजोर किया जा रहा है। बताया गया कि नवीनतम विधायी चाल की देश को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए एक बड़ी चाल है, जबकि नागरिकों के लिए सबसे मजबूत उपकरण आरटीआई का हर साल देश के लगभग 60 लाख लोग उपयोग करते हैं। सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्णय वापस लेने की मांग को लेकर संगठन सूचना के अधिकारों की को जनता के बीच में जाएगी और संघर्ष करेंगे। कार्यकर्ताओं ने आरटीआई कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने एवं सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के उच्च मानकों को बढ़ावा देने की मांग की है। इंडिया खबर लाइव के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से अभिनय तिवारी की एक रिपोर्ट। करने जा रहे हैं उसका हम प्रबल विरोध करते हैं और हमेशा करते आएंगे, क्योंकि मोदी जी को आज एक खुली चेतावनी हम लोग दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और जिसमें सेवा दल का हर सदस्य अपनी जी जान लगा देगा और अंतिम समय तक हम ये प्रयास करेंगे कि हम भारत में भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम हो पाए। आज आरटीआई जैसा एक अच्छा कानून था हमारे देश में कि हम किसी भी विभाग की गलत नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, जिसको मोदी जी की मंशा के अनुसार बदला जा रहा है और ये हम नहीं होने देंगे। आज हमने इसी संबंध में ज्ञापन यहाँ हम देने आए थे, हमें कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला तो हमने यहाँ चस्पा कर दिया है और हम अपना एक जो संदेश देना चाहते हैं वो हम दे के रहेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं।